जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा शादी से संबंधित जानकारी आपको जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। कुंडली के अनुसार से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। अगर जवाब देने में देरी होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली दिखवा सकते हैं। हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी शादी कब होगी। अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित हो तब, अन्यथा आपको कुंडली बनानी पड़ सकती है। खासकर शादी से संबंधित जानकारी के लिए आपको विशेष कुंडली बनवानी पड़ती है। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। इसके अलावा आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक प्रभाव में शादी नहीं करनी चाहिए जातकों की। तो अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष से सलाह लेकर कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि आप और आपका जीवन साथी नारी दोष से मुक्त है अथवा भकुर दोष से मुक्त है। कई ज्योतिष भकुर दोष और नारी दोष में कुछ वैदिक उपाय बताते हैं जिन्हें करने से नारी दोष और भकुर दोष का प्रभाव कम होता है, हालांकि पूरी तरह से यह खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है कि नारी दोष और भकुर दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। मामूली शुल्क पर हम आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी हो सकती है और कितने गुण मिल रहे हैं, वैवाहिक जीवन आप दोनों का कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्मकांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर
लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़की और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है, तो स्पर्शास का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगिणी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरु बल और पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, बैसाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगसरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं, इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मता अब्द के प्रत्यकारी चौ चांद्रो मासे प्रशस्त। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। दोस्तों, गुरु को लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं और शुक्र को लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है, वहीं लड़कों की शादी के लिए शुक्र का मजबूत होना, राहु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसे कैसे मजबूत करें? तो लड़कियां गुरुवार का व्रत करें, इस दिन साबुन शैंपू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, साथ ही इस दिन पीले रंगों का अधिक से अधिक सेवन करें। वहीं लड़के शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं और इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा कर सकते हैं, शिव जी को इत्र जल अर्पित करें, साथ ही सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। सोमवार और शनिवार को जल में तिल मिला हुआ, काले तिल मिला हुआ जल का अर्घ दे, इससे जो है शुक्र मजबूत होता है। आप शिव जी को प्रसन्न करेंगे, शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है और विवाह घर का स्वामी भी शुक्र ही है, तो शुक्र को मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र कमजोर रहता है तो विवाह में बहुत देर होती है। तो लड़कियां गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत करें, उन्हें पीले रंग की वस्तुएं चढ़ाएं, जैसे कि हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि। अगर गुरु कमजोर है तो केले का सेवन बिल्कुल ही ना करें, ना ही शयन कक्ष में केले को रखें। ओम ग्राम ग्रीम क्रौम सः, इस मंत्र का जाप आप रोजाना कर सकती हैं, इससे गुरु मजबूत हो जाता है। साथ ही आप शिव पार्वती की भी पूजन कर सकती है। इसके लिए शिव जी की पूजा सफेद कपड़े पहन के सोमवार और शनिवार के दिन आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, पीपल में जल का अर्घ अवश्य दें। दोस्तों, यह जानकारी आपको गुरु और शुक्र मजबूत करने के लिए दी गई है। आज की वीडियो में मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सगाई 2022 में होने की प्रबल संभावना है। तो कैसे बन रहा है यह योग, आइए बारी बारी से जानते हैं। मेष राशि के जो जातक होते हैं उनकी शादी के योग जो है 22वें वर्ष से बनते हैं, यानी कि अगर आपकी आयु 22 वर्ष हो चुकी है तो आपकी सगाई के योग जो है 2022 में प्रबल है। मेष राशि के जातकों की जो शादी के योग होते हैं 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होती है। तो अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है, सगाई के प्रबल योग है।
वृषभ राशि के लड़के और लड़कियों के शादी के योग जो है 23वें वर्ष से बनते हैं और शादी की जो आयु है वो 23 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होती है। तो अगर आपकी आयु 23 वर्ष हो चुकी है तो 2022 में सगाई के प्रबल योग है। मिथुन राशि के लड़के और लड़कियों की शादी के योग जो है वो 24वें वर्ष से बनते हैं और 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच इनकी शादी और सगाई हो जाती है। तो अगर आपकी आयु 24 वर्ष हो चुकी है तो 2022 में आपकी सगाई के प्रबल योग है। कर्क राशि के लड़के लड़कियों के सगाई के योग जो है 25 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच होती है, यानी कि 25 वर्ष से आयु अधिक उम्र के आयु वाले जातकों के सगाई के योग 2022 में प्रबल है। तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और 29 वर्ष से कम है तो आपकी सगाई के प्रबल योग है। हालांकि अगर 29 वर्ष से अधिक है तो 30 वर्ष के बाद शादी निश्चित ही हो जाएगी। सिंह राशि के लड़के लड़कियों के सगाई के योग जो है वह 26वें वर्ष से बनते हैं और 31 वर्ष तक अधिकतम आयु है, यानी कि 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के बीच में आपकी सगाई अवश्य हो जाएगी। तो अगर आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक है तो 2022 में सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं। कन्या राशि के लड़के और लड़कियों के सगाई के योग जो है 27वें वर्ष से बनते हैं, ऐसा उनके मैच्योर स्वभाव के चलते होता है। धार्मिक प्रवृत्ति के रहने वाले कन्या राशि के जातक अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की मादा रखते हैं, इसी चलते कन्या राशि के जातकों की शादी में विलंब होता है। तो अगर आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 27 वर्ष हो चुकी है और 32 वर्ष से कम है तो शादी के योग बन रहे हैं। अगर 32 वर्ष से अधिक है तो हो सकता है कि मांगलिक बलि है अथवा बुध और शुक्र की युति बन रही, इसके चलते आपकी शादी में देरी हो रही है। वृश्चिक राशि के लड़के और लड़कियों की सगाई के योग जो है वो 21वें वर्ष से बनते हैं और इनके शादी की अधिकतम आयु 32 वर्ष तक होती है, यानी कि वृश्चिक राशि के लड़कों की 32 वर्ष तक शादी के योग रहते हैं। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है तो 2022 में शादी के योग बन रहे हैं। धनु राशि के लड़के और लड़कियों की शादी के योग जो है आज 20 वर्ष से बनने लगते हैं, ऐसा उनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी और राशि स्वामी गुरु के रहने के चलते होता है। इनके गुरु मजबूत होने के चलते शादी के योग जो है महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो अगर आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक है तो 2022 में सगाई के योग बन रहे हैं। मकर राशि के लड़के लड़कियों के शादी के योग जो है 21वें वर्ष से बनते हैं, इनके आराध्य देव और राशि स्वामी जो है भगवान विष्णु देव है, इसके लिए इस जातक के शादी के योग 21 वर्ष से बनते हैं। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है तो 2022 में सगाई के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के जो सगाई के योग हैं महज 22वें वर्ष से बनने लगते हैं और शनिवार के दिन कुंभ राशि के जन्मे जातकों के शादी के योग महज 17वें वर्ष से बनने लगते हैं। कई कई जातक ऐसे होते हैं जिनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है तो आप चिंतित होते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, तो ऐसा उनके शनिवार के दिन जन्म लेने अथवा कुंभ राशि के होने के चलते होता है। तो अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है तो 2022 में आपकी शादी के योग प्रबल है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लव मैरिज की संभावना भी 2022 में बहुत ही प्रबल है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं, इनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी हैं और राशि स्वामी इनके जो हैं वो गुरु हैं, इसके चलते मीन राशि के जातकों के शादी के योग भी बन रहे हैं। और अगर आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है तो 2022 में शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं तो इसके आप समझ में आ रहे हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क अपनी निजी जानकारी कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह लेकर भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी राशि अनुसार से वीडियो जरूर देख सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि, सत्मार्ग और सही दिशा दिखाए, यही शुभकामनाएं केपी की वाणी की तरफ से है। इस नाचीज दोस्त को अब इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।